हेलो दोस्तों, मैं गौरव आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कोडन बायोलॉजी में। आज का टॉपिक है सेल सिग्नलिंग एंड सेल कम्युनिकेशन। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द जनरेशन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल डीपोलराइजेशन इज ड्यू टू, डीपोलराइजेशन होता कैसे है। सबसे पहले आप जानिए, नॉर्मली अपर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इनर में निगेटिव होते हैं। बाहर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, अंदर नेगेटिव चार्ज है, ये पोलराइज्ड है। और ये होता है किससे, इलेक्ट्रोजेनिक सोडियम पोटासियम एटीपेज से, जिसमें कि 3 सोडियम बाहर आते हैं और 2 पोटासियम अंदर जाते हैं। ये नॉर्मल है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है 50-70 मिलीवोल्ट। क्वेश्चन पर आइए, ड्यूरिंग जनरेशन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल डीपोलराइजेशन, तो हम लोगों ने अभी समझा पोलराइजेशन क्या है। एक पोलराइजेशन की अगर बात करेंगे तो ऊपर में सरफेस पर पॉजिटिव है और अंदर में निगेटिव है, ये पोलराइज्ड है। अभी हमने देखा कि ये पोलराइज्ड न्यूरॉन जो होते हैं बाहर पॉजिटिव चार्ज रखते हैं और अंदर निगेटिव चार्ज रखते हैं। अब जैसे ही न्यूरॉन में हरकत होता है, ये है आपका एक्सॉन ऑफ प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन। जैसे ही ये किसी मैसेज को कन्वे करना चाहेगा, एक्शन पोटेंशियल मूव करेगा आगे की तरफ। मूव करने का मतलब है, अगर आगे की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब ये डीपोलराइज्ड होते जाएगा। तो डीपोलराइज्ड होने के लिए सोडियम आयन चैनल को एक्टिवेट करेगा और एक्टिवेट होगा, सोडियम अंदर की तरफ मूव करने लगेगा। और इस मूवमेंट के दौरान जो रिजल्टेंट होगा, वो अंदर में पॉजिटिव चार्ज जमा होने लगेगा और बाहर में निगेटिव चार्ज जमा होने लगेगा। यही है डीपोलराइजेशन। इसका आंसर तो सिंपल है कि ये Na इनफ्लक्स हुआ, ऑप्शन सी होगा। आगे भी देख लेते हैं, जैसे ही ये मूव करेगा एक्शन पोटेंशियल आगे की तरफ, जैसे ही ये इंड की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे कैल्शियम आयन चैनल को एक्टिवेट करेगा। और जैसे ही कैल्शियम आयन चैनल एक्टिवेट होगा, ये प्रमोट करेगा सेक्रेटरी वेसाइकिल कंटेनिंग एसिटाइल कोलीन, यानी कि कैल्शियम ही जिम्मेदार है एसिटाइल कोलीन के रिलीज के लिए। और जैसे ही एसिटाइल कोलीन रिलीज होगा, ये दूसरे न्यूरोन की तरफ ये ट्रांसफर करेगा मैसेज को। फिर जैसे ही दूसरे न्यूरोन का बॉडी, सेल बॉडी जो है, इसको रिसीव करेगा, तो फिर से ये Na चैनल को एक्टिवेट करेगा, क्योंकि इसको डीपोलराइज्ड होते हुए जाना है, एक्शन पोटेंशियल को आगे बढ़ना पड़ेगा। और जैसे ही फिर ये इंड पे जाएगा, फिर कैल्शियम आयन चैनल को एक्टिवेट करेगा और फिर से एसिटाइल कोलीन दूसरे न्यूरॉन सिस्टम में जाएगा, मतलब 1 से 2, दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन में, तीसरे से चौथे न्यूरॉन में, और ऐसे ही मैसेज आगे की तरफ एक्शन पोटेंशियल के थ्रू बढ़ते जाएगा, यानी कि डीपोलराइजेशन होते जाएगा। इसका सिंपल आंसर है Na प्लस इनफ्लक्स होगा तो ही डीपोलराइजेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर आर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन ऑफ, सिंगल पासेस, 3 पासेस, 5 पासेस, 7 पासेस। हम लोग जानते हैं इसको कहते हैं हम लोग 7TM रिसेप्टर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं 7TM रिसेप्टर? ट्रांसमेम्ब्रेन में 7 टाइम पास होता है। ये स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे, 7 पासेस होता है। मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। ये है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, ये साइटोसोल है, ये 7 टाइम ये पास करता है, इसीलिए इसको 7TM रिसेप्टर भी कहते हैं GPCR को। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व इन द कैल्शियम डिपेंडेंट सेल सेल एडिशन। सबसे पहले आप समझिए कि 4 ही ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, सेलेक्टिन, इंटीग्रिन, IG सुपर फैमिली और कैडेरिन, जो कि सेल सेल इंट्रेक्शन में काम आते हैं। स्टेबल सेल जंक्शन सिर्फ होता है इंटीग्रिन का और कैडेरिन का, ये दोनों का स्टेबल सेल जंक्शन होता है। क्या आप कभी सोचे हैं कि इसका स्टेबल सेल जंक्शन क्यों होता है? वही तो आपका आंसर है। सिंपली हम बताते हैं, कैडेरिन है, इसलिए आपका बेसिक क्लियर करते हैं हम। और कैडेरिन है क्या? कैडेरिन एक कैल्शियम डिपेंडेंट सेल सेल एडिशन है। ये लार्ज फैमिली है किसका? ग्लाइकोप्रोटीन का, जो कि सिग्नल ट्रांसमिट करता है ECM टू साइटोप्लाज्म। अब एक फिगर से देखिए, ये है आपका कैडेरिन, ये ECM है और ये साइटोप्लाज्म है, ये यहाँ से जुड़ा होता है, ये P120 से जुड़ा होता है, और ये जुड़ा होता है बीटा कैटेनिन से, और ये जुड़ा होता है बीटा अल्फा कैटेनिन से, और ये विनकुलिन से जुड़ा होता है। ये सब याद रखिए, इससे भी क्वेश्चंस, विनकुलिन से भी क्वेश्चंस आते हैं। और इसका एक खास गुण है कि सिमिलर टाइप में ही ज्वाइंट होते हैं, किसी अदर में नहीं। कैडेरिन टिपिकली ज्वाइन सेल ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ वन अनदर एंड ड्यू सो प्रीडोमिनेंटली बाय द बाइंडिंग टू द सेम कैडेरिन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ नेबरिंग सेल। ये सिमिलर टाइप में कैसे बाइंड होते हैं?
क्योंकि ये सेम टाइप ऑफ कैड्रिन से बाइंड करते हैं। कैल्शियम कहाँ से आया इसमें, फिगर्स बताते हैं आपको। ये जो स्टेबिलिटी होता है कैडरिन का, यहाँ जो येलो कलर का देख रहे हैं ये कैल्शियम है, मतलब इसका एक सब यूनिट दूसरे सब यूनिट से कैल्शियम से जुड़ा होता है और यही इसकी स्टेबिलिटी का राज है। तो कैडरिन क्या है, कैल्शियम डिपेंडेंट सेल सेल एडेशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बी हैप्पी बी हेल्दी, थैंक यू, शेयर द वीडियो एंड हेल्प अदर्स ऑल्सो। Will you be there? I can feel you.